हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फाइकस प्लांट के बारे में बताऊंगी, लेकिन ये कुछ फूल खिले थे इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी दिखाऊं। ये कुछ गुलाब के पौधे में फूल आई हैं और आप देख सकते हैं अभी कुछ थोड़े बड़े बड़े से फूल आए हैं। देख सकते हैं ये यूफोरबिया मिली का प्लांट है और अभी बारिश हुई थी कुछ देर पहले, और बारिश की वजह से इसके फूलों में किस तरीके से पानी रुका हुआ सा है। यहाँ पे कितना प्यारा सा लग रहा है ये पौधा और खूबसूरत लग रहा है ये पौधा देखने में। ये गुड़हल का पौधा, इसमें एक छोटी सी एक ही फूल आई है और कुछ बर्ड्स भी आए हैं इसमें, और बहुत खूबसूरत है ये पौधा। अब मैं इस पौधे के बारे में आपको बताना चाहूँगी। ये पौधा है फाइकस का, बहुत ही खूबसूरत पौधा है ये, और आप देख सकते हैं ये किस तरीके से ये ग्रोथ में है, और इसकी नई लीफ देख सकते हैं आप, ये जो इसके लीव्स हैं ये न्यू लीफ आई है इसमें, और बहुत ही खूबसूरत पौधा है ये। ये एक तरह का इंडोर प्लांट ही है, अगर इसको आप एकदम से ज़्यादा धूप में रखेंगे तो इसके पत्ते ख़राब हो जाते हैं। इसे इस ऐसी जगह में रखें जहाँ पे छन के धूप आती है या फिर सुबह की धूप आती है, एकदम से डायरेक्ट धूप में नहीं रखें। और ये पौधा समर के टाइम पे बहुत अच्छी ग्रोथ में रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं अभी तो ये अगस्त का महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी इसकी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ है माशाल्लाह। और मैं इसमें कोई फर्टिलाइज़र मैंने अभी कुछ 6 महीने से कुछ भी नहीं दिया है। अब मैं इसके सीड्स के बारे में बताऊंगी। आप देख सकते हैं इसमें ऐसे सीड्स आते हैं, जब ये प्लांट थोड़ा मैच्योर हो जाता है तो इसमें सीड्स आते हैं, और धीरे धीरे वो सीड्स ऐसे इस तरीके से हो जाते हैं, इस तरीके से ऐसे पक जाते हैं। पकने के बाद ये सीड्स, देख सकते हैं ये इसकी सीड्स हैं, ये छोटी छोटी सी निकलती हैं इसके अंदर से, और इसकी सीड्स यही है। और इसे आप अगर निकाल के थोड़ा सुखा के इसे ड्राई कर लें, करने के बाद इसमें से प्लांट्स इजीली आप ग्रो कर सकते हैं, और बहुत इजी ग्रो करेगा ये। देख सकते हैं मेरे इस पौधे में और भी कुछ सीड्स हैं जो यहाँ पे हैं, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे कलर के हो गए, थोड़े दिन में ये भी पक जाएगा। और पक के ये बहुत सारे मेरे पास इसके सीड्स बन चुके हैं, बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी है। तो इस तरीके से ये सीड्स पक के ऐसे इस कलर में हो जाते हैं और पौधे से गिर के नीचे मिट्टी में गिर जाते हैं। और एक पौधा है जो मेरा, ये अभी तक कोई सीड्स नहीं आई है, लेकिन इसके पत्तों की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी हो रही है। और इस पौधे की जो मैं मिट्टी मैंने तैयार करी थी वो 30% मिट्टी, 10% बालू और 30% कोकोपीट, और 30% मैंने वर्मी कंपोस्ट बनाया था, और थोड़ी सी नीम खली मिलाई थी इसमें। लेकिन 1-2 साल तो हो गए हैं इसे, 1.5-2 साल हो गए हैं इस प्लांट को, और आप देख सकते हैं इस प्लांट के इस तरीके से नीचे ऐसे लंबे लंबे रूट की तरह निकलते हैं। अगर आप इसे एक बॉन्साई का लुक देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा बॉन्साई टाइप में दिख रहा है। अगर मैं इसे एक पॉट में निकाल के बॉन्साई की तरह बनाऊं तो बहुत इजीली बन जाएगा, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है ऊपर की ओर से पूरी निकल गई है। और मैंने इसकी मिट्टी में, मैं जब करीब 1-1 महीने में कुछ मैं इसकी गुड़ाई करती हूँ, और थोड़ी सी चाय की पत्ती या फिर जो अंडे के छिलके जो भी मेरे हाथ में मिलता है मैं थोड़ी सी मिला देती हूँ लाके, और करीब 6 महीने में मैं इसमें एक मुट्ठी खाद मिला देती हूँ वर्मी कंपोस्ट। और इसमें थोड़ी चींटियों का अटैक हो गया था, तो मैंने एक स्प्रे बॉटल में 1/2 लीटर पानी लिया, उसमें 1 स्पून हल्दी पाउडर लिया मैंने, और पूरे प्लांट्स में, प्लांट्स के पत्तों में और मिट्टी में हल्दी का पानी का वो स्प्रे किया, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। अभी चींटियों का अटैक कम है, 1-2 तो मुझे अभी भी दिख रही है, वो शायद आपको भी दिखेगी, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है। तो मेरे पौधों में मिलीबग का अटैक कम और चींटियों का अटैक ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, तो इसीलिए अपने पौधों का ध्यान रखें। और बहुत हेल्दी है मेरे दोनों पौधे माशाल्लाह अभी,
और आप देख सकते हैं यहाँ से आपको दिखता होगा ये मेरा एलामांडा का प्लांट है और मेरे दूसरे वीडियो में भी है ये प्लांट। और इसमें हमेशा ऐसे फूल खिले रहती है, कभी जब ये फूल कुछ दिनों के लिए खिलते हैं, कुछ दिन यानी 20-25 दिन तो इसके फूल रहते हैं ये एलामांडा के, और उसके बाद जब सूख के गिरते हैं तो उससे पहले फिर और कुछ फूल खिल जाते हैं। मैं नज़दीक से दिखाऊंगी आपको, देख सकते हैं इसके जो ये कलियां हैं कितनी प्यारी खिली है और इसका फूल भी कितना प्यारा लग रहा है सामने से। और इस तरीके से ऊपर के और भी है और उसके दूसरे साइड भी हैं। बहुत खूबसूरत होते हैं इसके एलामांडा के प्लांट के फ्लावर, आप ज़रूर से लगाएं इस प्लांट को भी। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। फिर ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपने अगली वीडियो में।